अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शाहद इकबाल और आप देख रहे हैं शाहद एपिसेंटर। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिसीवर की ट्यूनिंग कैसे करते हैं और इसके चैनल कैसे चेंज करेंगे। और पहले हम इसका बैकअप बना रहे हैं। सिंपली ये इसका रिमोट है F1 F2 वाला, ये चेक कर लें। अच्छा जी, F1 F2 वाला रिमोट है इसका। और ये मैं दोबारा मेन्यू में जाएंगे, इसकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकाल दें। अच्छा, USB हमने इसमें लगा लिया। सॉफ्टवेयर अपग्रेड पे जाएंगे और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डंप फाइल। वो फाइल पूछ रहा पास कहाँ पे बनानी है हमने USB में। ओके, ये हमारा सॉफ्टवेयर है ना जो USB का रिसीवर का, वो कॉपी हो रहा है। अगर चैनल उड़ भी जाएंगे तो इसमें हम दोबारा इसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं ईजीली। थोड़ा सा वेट कर लें इसको। ये हमारा सॉफ्टवेयर कॉपी हो गया। ओके करें और बैक चले जाएं। ये चैनल चल रहे हैं तो मैं आपको चेक करवाने के लिए सिंपली इसको करूँगा डिलीट ऑल। ये खोलेंगे मेन्यू में जो वॉल्यूम अप डाउन किरो एरो की होते हैं ना, लेफ्ट और राइट में इसके रिमोट के ऊपर बने हुए ऑप्शन, उनको आपने लेफ़्ट क्लिक कर लेना और TV चैनल पर जाना है। यहाँ पर जाके आपने सिंपली कर देना है डिलीट ऑल पर, तो सारे चैनल जो हैं आपके डिलीट हो जाएंगे। ठीक है जी, अब पीछे जाएंगे वो कहेगा नो प्रोग्राम नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसमें कोई चैनल नहीं है। हम आप इसको सेटिंग करेंगे, मेन मेन्यू तो मेन्यू दबाएंगे और एंटीना सेटिंग पे जाके करेंगे ओके। और यहाँ से सेटेलाइट सेलेक्ट करेंगे सी एशिया सेट। इसकी आपने सेटिंग देख लेनी है कि ये 5150 है सी बैंड का जो फ्रिक्वेंसी है, और डेजिक सोच पोर्ट है वो हमने 3 में लगाया है। सेटेलाइट पे जाके करेंगे ब्लाइंड पे ओके करेंगे, यहाँ पे FTA नो है यस करेंगे, TV रेडियो TV करेंगे आल के बजाय, सर्च कर देंगे सिंपली। ये इतना काम होता है जी ट्यूनिंग का। ये हमारे चैनल हो गए स्टोर, ओके कर लें। इसके बाद हम करेंगे NSS6 की जो है सेटिंग, एंटीना सेटिंग पर जाएंगे। यहाँ से आप NSS6 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो KU बैंड की कोई भी सेटेलाइट सिलेक्ट कर सकते हैं, वो कोई मसला ही नहीं है। ये आगे NSS6 फ़ोन है, इसको 13 वोल्ट पे कर दें क्योंकि NSS6 के सारे चैनल जो है 13 वोल्ट पे चलते हैं। और डेजिक स्विच हमारा लगी है, ये 2 नंबर पे पोर्ट 2 है। नीचे जाएंगे सेटेलाइट पे, ब्लाइंड पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे नो को, TV पे करेंगे आल के बजाय और सर्च कर देंगे, ये सारी ट्यूनिंग हो जाएगी। वो बैकअप बनाने के लिए सेव किए हैं, वो बैकअप बनाया कि सारे चैनल डिलीट हो जाएंगे तो USB में सेम कॉपी करेंगे, सेम चैनल वैसे ही आ जाएंगे जैसे पहले था। फिर आपको दोबारा से अकेला चैनल खुद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये हमारे सारे चैनल हो गए स्टोर, ओके कर देंगे सिंपली। अब दो चैनलों की बनानी है हमने तरतीब, तो सबसे तो पहले करेंगे आल पे क्लिक। ठीक है, एक नंबर पे जाएंगे। अब इसमें चाहिए हमें एशिया सेट के चैनल जो ARY न्यूज़ और जियो न्यूज़ TV चैनल पे जाएंगे, TV चैनल पे जाकर करेंगे ओके। और यहाँ से हम देख लेंगे नीचे जाके कहाँ पे आज। ये आ गया जी, ये सिंपली है जी 79 पे, हमने इसको करना है 2 नंबर पे। ऊपर देखें इंडिकेशन देख रहा है, 1 पे डिलीट है, 2 पे मूव है, 3 पे स्किप है, 4 पे लॉक है, 5 पे फेवरेट है। सिंपली हम 2 दबाएंगे, दूसरा जो बॉक्स है वो सिलेक्ट हो गया, फिर करेंगे ओके सेंटर वाला। ओके करके इसको ड्रैग करेंगे ऊपर ले जाएंगे अप डाउन एरो की जो हैं उनसे, इसको हम लेके जा रहे हैं 3 नंबर पर।
ठीक होगा जी, मेन्यू दबाएंगे, ओके करेंगे, सेव हो जाएगा। अब ये आ गया तीन नंबर पे, ये देखेंगे अब इसकी पोजीशन तीन नंबर है। अब सिंपली अगर आपने एक एक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम तो एक एक नहीं करते। मैं सिंपली करूँगा ये, ये मैं पेज वाला बटन दबा रहा हूँ, 10-10 चैनल जो है ना, पूरे 10 चैनल अप डाउन करता है ये। अच्छा जी, 79 पे आ गए हम, 80 पे दोबारा ये दो नंबर दबाएंगे मूव। अगर ग्रुप मूव करना है तो ऊपर रिमोट के ऊपर ग्रीन कलर का बटन है, इसमें ग्रुप हो जाएगा, एक दो तीन और ये चार। अच्छा जी, अब एक ग्रुप का फ़ायदा ये है कि ये चारों चैनल एक साथ ही चले जाएंगे, तो हमें अलग अलग से चैनल उठा के नहीं लेके जाना पड़ेगा। ये मैं लेके गया एक पे और मूव के लिए सिंपली दबाया ओके, तो ये देखें जी, इसको मैंने करना है एक पे, एयर वाई न्यूज़ को करना है दो पे, और ये देखें दो चैनल जिस जगह पे चाहें आप जाके सेट कर सकते हैं, कोई मसले नहीं है। फिर एंड पे दबा दें मेन्यू, ओके करें, सेव कर लें, बस ये इतना ही काम है। अब ये एक नंबर पे आ गया जी हमारा क्यू टी वी, दो पे आ गया एयरवाई न्यूज़, थ्री पे आ गया जी एयरवाई ज़िंदगी, फोर पे आ गया एयरवाई डीजल, ये लिस्ट खोल के मैं चेक करवा देता हूँ। बाकी आ गया बेहतर थी बागे चैनल। अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि मेन्यू दबाऊँगा और डिलीट ऑल कर दूँगा, ठीक है जी, ओके कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मेन्यू दबाऊँगा और इसका जो है सॉफ्टवेयर अपग्रेड, इसमें जाऊँगा, ठीक है जी, यहाँ पर कह रहा है USB अपग्रेड, आल हमें नहीं करना, हमें सिर्फ करना है यूज़र, आल पे होता है सॉफ्टवेयर करने के लिए, यूज़र पे होता है सिर्फ चैनल उठाएगा, चैनल हमने उठाने हैं, इसके फाइल पाथ करेंगे, ओके करेंगे, USB में इसका सॉफ्टवेयर पड़ा है जो अभी हमने डम फाइल बनाई थी वही ये फाइल है, ओके करेंगे, सिंपली स्टार्ट करेंगे, ओके करके ये चैनल आपके कॉपी होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें ये चैनल कॉपी हो गए, बस इतनी देरी लगती है चैनल कॉपी होने में, ये सारे चैनल तरतीबवाइज आ जाएंगे जैसे पहले थे वैसे ही। एक बार रिसीवर बंद होकर चलेगा और चैनल अपनी जो तरतीब है, जो पहले तरतीब पे थे, उस पर आ जाएंगे।